Social equality in this context means the absence of discrimination on the ground only of caste, color, sex, religion, or language. Hello, aspirants. Welcome to Plutus IS. Today we will do a quick revision of facts about the preamble. To know the preamble well, firstly we have to understand what is constitution. Preamble ko samajhne ke liye pehle hame hamare samvidhan ko samajhna zaruri hai. Constitution. Constitution word hamari Latin language se liya gaya hai. Iska matlab hota hai to set up or establish something. If we see the definition of constitution is, it is a set of rules or guideline or principle based on which government function. या तो ये सेट हो सकता है रूल्स का या फिर गाइडलाइंस का या फिर प्रिंसिपल्स का जिस पे बेस्ड होती है हमारी गवर्नमेंट की फंक्शंस. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सब कोई आता है. नो वन इज अ स्पेशल सिटीजन. एक नॉर्मल इंसान भी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेगा और एक बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी भी. कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही हम समझ पाते हैं कि कौन हमारे देश का नागरिक है और कौन नहीं. कॉन्स्टिट्यूशन दो टाइप्स के होते हैं, आइदर अ रिटन और अ अनरिटन फॉर्म. मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन फॉर्म में है. 195 कंट्रीज प्रेजेंट इन द वर्ल्ड इन विच 190 कंट्रीज हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. हमारी 195 कंट्रीज इन द वर्ल्ड में 190 कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास उनका खुद का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. ओनली 5 to 6 कंट्रीज वो प्रेजेंट जिनके पास वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करती हैं. फॉर एग्जाम्पल इजराइल, यूके एंड कैनेडा. These types of countries follow unwritten constitution. जो भी written constitution countries follow करती हैं, जो भी countries written constitution को follow करती हैं, उसमें से 75 countries ऐसी हैं जिनका constitution preamble से start होता है. Now we will discuss what is preamble. Firstly, you have to understand what is this word. You all are coaching students, college going students, even in school also. जब आप किसी बुक को लेने के लिए जाते हैं तो यू हैव क्या पहले एनालाइज करते हैं उसका बुक कवर. वो अगर आपको अट्रैक्टिव लगता है तो उस बुक के पहले पढ़ने के बाद आप क्या देखते हैं, उसका इंडेक्स. इंडेक्स से हमको ये पता चलता है कि ये बुक किस बारे में है. सेम एज दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अच्छे से डीपली जानने के लिए हमें उसके प्रीएम्बल को समझना ज़रूरी है. प्रीएम्बल से हमें ये पता चलेगा कि उस देश का संविधान आखिर कहना क्या चाहता है. कॉन्स्टिट्यूशन का एक ओवरव्यू होता है हमारा प्रीएम्बल. एक तरह से उसकी इंडेक्स होता है हमारा प्रीएम्बल. बेसिक फैक्ट्स अबाउट प्रीएम्बल. प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट किया 26 नवंबर 1949 में और ये अडॉप्ट किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू अब फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में. और इस कॉन्स्टिट्यूशन, इस प्रीएम्बल को ड्राफ्ट करने के बाद इसको अलाइन किया गया जनवरी 26, 1950 जब हम अपना रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट करते हैं फॉर कॉन्स्टिट्यूशन. क्योंकि हमारा संविधान तभी से लागू हुआ था इसीलिए प्रीएम्बल भी 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ. जब ये ड्राफ्ट कम्युनिटी बनी थी, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पहली बार प्रीएम्बल को एज अ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लॉन्च किया था या फिर उसको प्रपोज किया था, तो उनके कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे बी एन राव. प्रीएम्बल हैज बीन अमेंडमेंट ओनली वंस. हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो बहुत बार बदलाव हुए, तरह तरह के अमेंडमेंट्स आए, लेकिन फॉर प्रीएम्बल ओनली वन अमेंडमेंट्स वर देयर. इट इज कॉन्स्टिट्यूशन 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 जो इमरजेंसी के टाइम में इंदिरा गांधी ने किया था. इट्स ऑल्सो कॉल्ड अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन. खैर ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे. बट दिस इज द ओनली अमेंडमेंट जिस जो प्रीएम्बल में हुआ है. इसके बाद के या इससे पहले के जितने भी अमेंडमेंट्स थे वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में हुए थे, प्रीएम्बल में नहीं. द मेन सोर्स ऑफ अवर इंडियन प्रीएम्बल वॉज अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन. जो मेन सोर्स है हमारे प्रीएम्बल का वो हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होके लिया है. और इसकी जो लैंग्वेज है वो ड्राइव की है हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से. एंड देयर वाज वन फैक्ट आल्सो, अमेरिका इज द ओनली फर्स्ट कंट्री जिसने प्रीएम्बल का प्रपोजल वर्ल्ड को बताया था. इससे पहले हमारे किसी भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी कंट्री के रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल का प्रपोजल नहीं था.
अमेरिका यूएसए वॉज द फर्स्ट कंट्री जिसने इसको प्रपोजल को आगे लेके आए। टर्म्स इन प्रियम्बल, अब हमने ये तो समझ लिया कि प्रियम्बल है क्या, वो कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे रिलेट करता है, अब हमें ये समझना है कि कौन से टर्म्स का यूज प्रियम्बल में किया गया है। लेट्स नो दिस फ्रॉम अ वन एग्जाम्पल। आप सबके घर पे पेरेंट्स हैं, राइट, ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं। जब तक आप सक्सेस नहीं होते हैं, आप किसी पर्टिकुलर नेम से जाने जाते हैं कि ये उनका लड़का है, राइट, या ये उनके घर से बिलोंग करता है, या अगर ये शर्मा जी या मिश्रा जी किसी का भी बेटा है तो इसके संस्कार कैसे होंगे वो ऐसे ही डिफाइन कर लेते हैं कि उनकी फैमिलीज कैसी हैं। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ जो मैं आगे बताने जाऊंगी। सेम एज हमारे प्रियम्बल में है, कॉन्स्टिट्यूशन में है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कैसा है, उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, उस देश के लोग कैसे होंगे, वहाँ के रूल्स कैसे होंगे, वहाँ के लॉ कैसे होंगे, ये हमें हमारा प्रियम्बल बताता है या उस देश के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल बताता है। तो जो प्रियम्बल होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट एक बैकबोन होता है कॉन्स्टिट्यूशन की। आप उस कंट्री को अगर आप जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, आप किसी भी कंट्री का प्रियम्बल उठा लो, आपको समझ में आ जाएगा वहाँ के लोग अग्रेसिव हैं, वहाँ के लोग हम्बल हैं, वहाँ का लॉ स्ट्रिक्ट है कि नहीं है, आप ये सारी चीज़ें समझ जाओगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा प्रियम्बल है वो इस टाइप के टर्म्स से डिफाइंड है। इसमें भी एक फैक्ट है, 1947 के बाद जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो प्रियम्बल ड्राफ्ट किया उसमें ये वर्ड्स थे, सॉवरेन, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फॉर्टिनिटी। 1976 में जब इंदिरा गांधी ने 42 अमेंडमेंट एक्ट किया इमरजेंसी के वक्त, तब तीन टर्म्स को हम न्यूली ऐड किए प्रियम्बल में, दैट इज सोशलिस्ट, सर्कुलर एंड इंटीग्रिटी। उससे पहले ये टर्म्स नहीं थे। 42 अमेंडमेंट 1976, ये तीन वर्ड्स हमारे प्रियम्बल में 42th अमेंडमेंट 1976 के तहत आए हैं। उससे पहले हमारे प्रियम्बल में ऐसे कोई भी वर्ड्स नहीं थे। उससे पहले हमारे प्रियम्बल्स में सिर्फ ये सारे वर्ड्स से जानते थे हम, सॉवरेन, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फॉर्टिनिटी। फर्स्ट, सॉवरेन, हमारे फर्स्ट टर्म की तरफ, कि आखिर सॉवरेन है क्या, ये किस चीज को डिफाइन करता है, किस नेचर को डिफाइन करता है इंडिया के। सॉवरेन, इट्स कमिंग फ्रॉम आल्सो अ लैटिन वर्ड, सोलेरस से आया है, जिसका मीन होता है सुप्रीम अथॉरिटी। सुप्रीम अथॉरिटी किस वे में, द इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट नॉट बीइंग सब्जेक्टेड टू द कंट्रोल ऑफ एनी अदर स्टेट और एक्सटर्नल पावर। ये डिफाइन कराता है, ये दूसरे देशों को ये बताता है कि भारत एक खुद में सुप्रीम अथॉरिटी का देश है, उसकी एक्सटर्नल या इंटरनल मैटर्स में किसी को भी बोलने का अधिकार नहीं है, उसकी स्ट्रेट बाउंड्री के अंदर कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कोई सेकेंड कंट्री बताने का अधिकार नहीं रखती है, इट्स हैज इट्स ओन पावर। इसलिए हमारे नेबर्स में जो भी प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, उनसे रिलेटेड हम जो भी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, वी आर द ओनली वन जो सॉल्व करता है। वी आर नॉट लाइक कि हम किसी सेकेंड कंट्री की हेल्प ले रहे हैं या हम किसी सेकेंड कंट्री के दबाव पे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम हमारे डिसीजंस खुद भी देख सकते हैं, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल अभी आपके कुछ साल पहले आपने देखा होगा यूक्रेन और रशिया वार में। इट्स अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सॉवरेन, कि हमने अपनी सुप्रीम अथॉरिटी को कैसे बनाए रखा। सेकेंड टर्म, सोशलिस्ट, एज आई टोल्ड अर्लियर, सोशलिस्ट वर्ड को हमने 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत प्रियम्बल में अप्लाई किया है। अब इसका मतलब क्या होता है और इसको अप्लाई क्यों किया गया, ये इम्प्लिस कराता है हमको सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी के लिए। एवरीबडी नोज इंडिया में डाइवर्सिटी भर भर के है, हर जगह है, कास्ट, रिलीजन, especially social and economic as well. Social equality in this context means the absence of discrimination on the ground only of caste, color, sex, religion or language. Socialist word ko preamble mein dalne ka matlab hi yahi tha ki hum discrimination se bach sakein. Kis level pe?
कास्ट के, कलर के, सेक्स के, रिलीजन के और लैंग्वेज के, बिकॉज इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी. सर्कुलरिज्म, थर्ड टर्म ऑफ अवर प्रीएम्बल. It means treating every religion equally and providing equal facilities. The term circular means that India does not promote any favor, any specific religion. The government treat all religions well. इस टर्म का मतलब हमारे प्रीएम्बल में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि इंडिया जिसमें डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर है, इंडिया जिसमें तरह तरह के रिलीजन प्रेजेंट है, वी ऑल नोज इंडिया किसी एक रिलीजन को फॉलो नहीं करता. देर आर मैनी रिलीजन्स, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैनिज्म, देर आर वेराइटीज ऑफ रिलीजन्स फॉर देयर. और इंडिया किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करता है, किसी स्पेसिफिक रिलीजन को फॉलो नहीं करता है, या हर एक रिलीजन को इक्वल माना जाता है, हर एक लैंग्वेज को इक्वल माना जाता है. दैट्स व्हाई दिस सर्कुलरिज्म वर्ड इज प्रेजेंट इन अवर प्रीएम्बल, ताकि हम ये बता सकें दूसरों को कि हम किसी एक रिलीजन पर लाइन नहीं करते हैं. देर आर मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड जिनका एक कंट्री रिलीजन होता है. बहुत सारी मुस्लिम्स कंट्रीज हैं, देर आर 52 मुस्लिम्स कंट्रीज जिनका इस्लाम एक पर्टिकुलर रिलीजन है. आप चाइना चले जाइए, आप हांगकांग चले जाइए, थाईलैंड चले जाइए, वहाँ पे बुद्धा को ज़्यादा माना जाता है. बट वी इंडियंस बिलीव इन ऑल रिलीजन. बीइंग अ इंडियन, आप किसी को मंदिर भी जाते देखोगे, आप मस्जिद भी जाते देखोगे, वो गुरुद्वारा भी जा रहा है, वो जैन टेम्पल भी जा रहा है. सो दिस इज द ब्यूटिफुल थिंग इन आवर इंडिया कि डाइवर्सिटी बहुत है. और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इस चीज को बताता है कि हम किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो नहीं करते हैं. डेमोक्रेसी, वेरी बेसिक, दिस इज कमिंग फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड डेमो विच मीन्स पीपल एंड क्राइटेरिया दिस मीन्स रूल. आसान भाषा में इसे आप बोल सकते हो जनता का रूल, which we are having on the power of the vote. The term democratic indicates that India follow a system of government where the power is vested in the hands of the people. Preamble mein democratic word aapko ye batata hai, duniya ko ye batata hai ki India follow karta hai system jahan pe power government ko chalane ki people of India ke paas hoti hai. हम लोगों के पास होती है. अगर हम चाहें तो हम सरकार बनवा भी सकते हैं, हम चाहें तो हम सरकार गिरा भी सकते हैं. वी हैव दैट काइंड ऑफ पावर. और शायद यही वजह है कि इंडिया इज द मोस्ट सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक वर्ल्ड, डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड. ऑलमोस्ट वी आर 120 करोड़ प्लस, और इतनी बड़ी जनसंख्या को एक साथ बाइंड अप करना, इट्स अप्रिशिएटेबल. और हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इतने अच्छे से फॉलो करते हैं कि आज हम पूरे वर्ल्ड की सबसे बेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है. रिपब्लिक, द टर्म रिपब्लिक इन द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिफर्स अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड बाय द पीपल रादर नॉट बीइंग अपॉइंटेड. रिपब्लिक वर्ड हमारे प्रीएम्बल में, रिपब्लिक वर्ड हमारे प्रीएम्बल में ये इंडिकेट करता है जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, हेड ऑफ द कंट्री होता है, वो इलेक्ट होता है बाय पीपल, ना कि अपॉइंट होता है. और ना ही ये बताता है कि नहीं यहाँ पे कोई कॉलोनी रूल है जिसमें एक तानाशाही होगा. नहीं, वी हैव अ पावर टू सेलेक्ट अवर प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज अवर हेड ऑफ द कंट्री, अवर प्रेसिडेंट. Justice. The term justice signifies the community of this Indian state to ensure social, economic and political justice of all the citizens. Justice word indicate करता है हमारे preamble में कि वो ensure करता है, commit करता है all 28 states of India कि वो ensure करता है social, economic and political justice हर citizen के लिए. चाहे वो आपका सोशल प्रॉब्लम हो, चाहे इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो, चाहे पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो, यू विल गेट द जस्टिस.
Now there are three last terms. Equality. Equality means no section of society has special privilege to all have given the equal opportunity for everything. Without any discrimination, everyone is equal before the law. इक्वालिटी टर्म हमारे प्रियम्बल में रखा गया. इक्वालिटी में हम ये डिफाइन करता है कि कोई भी सेक्शन सोसाइटी का हैव स्पेशल प्रिविलेज नहीं है. डजंट मीन कि आप अमीर है, आप मिलेनियर हो तो आपको एक एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिलेगी, एक्स्ट्रा स्पेशल चीजें मिलेंगी जो एक नॉर्मल कैंडिडेट को नहीं मिलेगा. जो मिडिल क्लास या जो मिडिल क्लास से नीचे आता है उसको नहीं मिलेगा. एवरीवन हैविंग देयर इक्वालिटी. सब कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड पे, सब भारत के संविधान के तौर पे, भारत के लॉ के तौर पे सब इक्वल है. कोई ऊपर नीचे नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इस वजह से इस टर्म को हमारे प्रियम्बल में रखा गया. लिबर्टी. दिस टर्म मीन फ्रीडम ऑफ द पीपल टू चूज द वे ऑफ लाइफ, हैव पॉलिटिकल व्यूज एंड बिहेवियर इन सोसाइटी. इट डज नॉट मीन टू फ्रीडम एनीथिंग अ पर्सन कैन डू बट इन सेट ऑफ लिमिट्स ऑफ लॉ. लिबर्टी का मतलब होता है, लिबर्टी का मतलब है हमारे प्रियम्बल में कि पीपल अपनी फ्रीडम ऑफ पावर को खुद चूज कर सकता है अपने वे में. कोई बंदिश नहीं है, कोई पर्टिकुलर चीजें नहीं है. इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो कोरिया. कोरिया इज द कंट्री जहां पे साल में 10 हेयर स्टाइल्स निकलती हैं ताकि वही कैंडिडेट्स फॉलो करें, बिकॉज वहां पे तानाशाह रूल है, हमारे किम जोंग का रूल है. आप अपने पॉलिटिकल बिहेवियर्स, अपने पॉलिटिकल व्यूज दे सकते हो. बिहेवियर क्या है सोसाइटी में आपका. लिबर्टी का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करो अपने फ्रीडम में, बट आप कर सकते हो एक लिमिट में रह के, एक सेट ऑफ लॉस के अंदर रह के. अगर आपने वो सेट ऑफ लॉस क्रॉस किए तो ऑफ कोर्स यू विल अ कल्प्रिट फॉर दैट. पॉलिटिकल व्यूज आप दे सकते हो. कभी भी हमारे देश में अगर जब चुनाव की स्थिति आती है या फिर इलेक्शंस जैसा कुछ होता है तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, एंड बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट आप भी आफ्टर न्यूज़पेपर यही करते हो, अपनी व्यूज देते हो, अपनी टिप्पणियां देते हो. तो अगर आप ये दे पा रहे हो तो बिकॉज ऑफ दिस वर्ड, क्योंकि ये वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे प्रियम्बल में एग्जिस्ट करता है. फर्टिनिटी. फर्टिनिटी मीन्स होता है फ्रीडम ऑफ ब्रदरहुड, इमोशनल अटैचमेंट विद द कंट्री ऑफ द पीपल. वी नो दिस. अगेन आई सेड, इंडिया जो कंट्री है वो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर है, डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन है. उस रिलीजन में एक इमोशनल अटैचमेंट होना, उसमें एक ब्रदरहुड की फीलिंग होना और इमोशनल अटैचमेंट अपनी कंट्री से होना, इट्स हेल्प टू प्रमोट अ डिग्निटी एंड यूनिटी ऑफ द नेशन. इट्स डिफिकल्ट जब एक ही जगह पे चार अलग अलग तरह के अलग अलग माइंडसेट के लोग रहते हैं. फर्टिनिटी हमें ये बताता है कि फर्टिनिटी वर्ल्ड हमें ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे हम ब्रदरहुड फीलिंग को इमोशनली अटैच अपनी कंट्री से करके, अपने लोगों से करके, हम एक डिग्निटी और यूनिटी के साथ नेशन में रह सकते हैं. अब ये इतने सारे वर्ड्स हैं, आप एक बार में कैसे याद करोगे. जाहिर सी बात है प्रियम्बल में इतने सारे वर्ड्स हैं, इतने सारे टर्म एंड कंडीशंस हैं, उनको एक एक करके याद करना थोड़ा सा मुश्किल है. तो इसको भी एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ. इसकी शॉर्ट ट्रिक है डॉक्टर शशांत सिंह सैनी लव्स जलेबी. डी स्टैंड फॉर डेमोक्रेसी, आर स्टैंड फॉर रिपब्लिक, एस स्टैंड फॉर सोवरेन, दिस एस स्टैंड फॉर सोशलिस्ट एंड दिस स्टैंड फॉर सर्कुलर. लव्स जलेबी. जे फॉर जस्टिस, L for liberty, E for equality, B for brotherhood. Brotherhood
means fertility. एंड आई यूनिटी ऑफ नेशन जिसे आप इंटीग्रिटी भी बोलते हो. डॉक्टर सुशांत सिंह सैनी लव्स जलेबी. यू कैन ईजली लर्न दीज टर्म्स इन दिस वे. डी फॉर डेमोक्रेसी, आर फॉर रिपब्लिक, एस फॉर सॉवरेन, एस फॉर सोशलिस्ट, एस फॉर सर्कुलर, जे फॉर जस्टिस, एल फॉर लिबर्टी, E for equality, B for brotherhood. Brotherhood means fraternity, aapki, and I for integrity. This is the shortest way to preamble. I hope this video you find well for the improvising way. Thank you.